कोरोना महामारी के बीच जहां जनता भूखमरी, बेरोजगारी और रोजगार की कमी से जूझ रही है, वहीं सरकार भी भारत की अर्थव्यवस्था का रोना रोते नजर आ रही है। सरकार के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारी खर्चों को कम करने और फिजूल खर्चा रोकने का हवाला दे रही है। वहीं बढ़ती महंगाई रोजगार की कमी में भी लोगों की जेब ढीली करती नजर आ रही है और सरकार केवल सरकारी खर्चे कम करने और फिजूल खर्चा रोकने को लेकर बातें करती नजर आ रही है। सरकारी खर्चों को कम करने का हवाला देकर जनता पर महंगाई का मटका फोड़ा जा रहा है, पर सरकार अपने शाही खर्चों में किसी तरह की कोई कमी नहीं कर रही है। अपने शाही खर्चों को सरकार ने फिजूल खर्चों से बाहर रखा हुआ है, चाहे उसका उपयोग हो या ना हो, पर सरकार ने उन खर्चों पर अब तक किसी तरह की कैंची नहीं चलाई है। ब्रिटिश राज व्यवस्था में ब्रिटिशर्स ने गर्मी से बचने के लिए विशेष तरह के राजभवन तैयार करवाए थे, जिनका उपयोग वो गर्मी के मौसम में किया करते थे, और यह व्यवस्था सरकार ने अभी भी कई राज्यों में कायम रखी है। राजस्थान का माउंट आबू, मध्य प्रदेश का पचमढ़ी हो या तमिलनाडु का ऊटी, यहाँ राजभवन की देखरेख, स्टाफ और महामहिम के विशेष इंतजामों के लिए अभी भी करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है। राजभवनों को महामहिम के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है, चाहे फिर वो यहाँ आए या ना आए। ग्रीष्मकालीन राजभवनों में मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, तमिलनाडु का ऊटी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, उत्तराखंड का नैनीताल और कई हिल स्टेशन के राजभवन शामिल हैं। कोरोना के चलते राज्यपाल यहां नहीं आ पाए थे, पर इस बार कोरोना का असर कम होने पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा अपने परिवार के साथ एक हफ्ते के लिए माउंट आबू के राजभवन में रुके थे, तथा जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई थी और इस पर काफी खर्चा किया गया था। राज्यपाल के प्रोटोकॉल से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि राजभवनों की देखरेख, स्टाफ और मेंटेनेंस के लिए सालाना करोड़ों रुपए का खर्चा आज भी किया जाता है, चाहे वो वहां जाएं या ना जाएं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 149 वर्ष पुराना दरबार मूव को बंद करने के आदेश 20 जून 2021 को दे दिए थे। उनका कहना है कि ई ऑफिस शुरू होने से श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच कर्मचारियों को जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके नतीजन वहां लगभग 200 करोड़ रुपए तक की सालाना बचत की जा रही है। ब्रिटिशर्स द्वारा ग्रीष्मकाल के लिए बनाई गई इस व्यवस्था को घरों और दफ्तरों में एसी की सुविधा होने पर अब विशेष राजभवनों का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। यह एक तरीके का फिजूल खर्चा है जो सरकार के शाही खर्चों में आता है, पर कोरोना से लड़ती इस दुनिया और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद क्या सरकार का इस तरह का कोई खर्चा करना सही है